हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। होप सो आप लोगों को ये जीवन चक्र समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए क्लास, जब हम बात करें आपके फैसियोला हिपेटिका के बारे में, ठीक है, तो फैसियोला हिपेटिका जो है इनमें अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? अपूर्ण आहार नाल। ठीक है, जब हम बात करते हैं जनरली आहार नाल के बारे में, तो आहार नाल में क्या क्या चीज आती है बताएं जरा। आहार नाल में आप लोगों ने मानव की तो पढ़ी होगी ना, 12th में पढ़ाई जाती है जब। आहार नाल में माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, आमाशय, फिर इंटेस्टाइन, आंत जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में आपका रेक्टम, एनस। यही होता है जनरली जब हम बात करें क्लास आपके आहार नाल की। तो ये आहार नाल जो है ये मुख से शुरू होकर आपके गुदा तक जाता है। गुदा पर खत्म होता है ना, गुदा मतलब एनस। ठीक है, मुख माने माउथ, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पर कंप्लीट होता है? गुदा पर कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने लिखा है फेसियोला हिपेटिका में जो होती है वो अपूर्ण होती है। ठीक है, तो अपूर्ण का मतलब है कि जो अभी हमने आहार नाल के बारे में बात की कि मुंह, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक है ना, तो ये सब चीजें जो है इसमें नहीं होती। इसमें मुख तो पाया जाता है लेकिन गुदा इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी डायग्राम बनाया था उसमें आपने एनस नहीं बनाया था, एक्सक्रीटरी पोर बनाया था, है ना? क्या बनाया था? एक्सक्रीटरी पोर बनाया था। तो यहाँ पर मुख तो उपस्थित होता है, माउथ तो आपने बनाया था लेकिन एनस नहीं बनाया था। तो एनस का अनुपस्थिति के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, इसमें अपूर्ण आहार नाल उपस्थित होती है। जब हम बात करें इसके पोषण के बारे में क्लास, ठीक है, तो ये क्या चीज पोषण के तौर पे क्या चीज लेता है? ये लेता है रक्त, लिम्फ। लिम्फ समझते हैं ना, लसिका जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लसिका। ठीक है, वह लसिका ऊतक, ठीक है, तो ये अपने पोषण के लिए क्या क्या लेता है? आपका रक्त, लिम्फ, लिम्फॉइड, ये सब चीजें अपने पोषण के रूप में लेता है। वो भी कहाँ से लेगा? अपने परपोषी से लेगा। परपोषी यहाँ पर हमने दो बताए थे ना, डाइजीनिया में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें दो परपोषी होते हैं, तो अपने परपोषी में से ये रक्त और ये सब चीजें पोषण के तौर पे लिया करता है। वहीं जब हम बात करें उत्सर्जन के बारे में, ठीक है, तो इसमें उत्सर्जन जो है फेसियोला हिपेटिका में, उत्सर्जन एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है और उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, ज्वाला कोशिकाएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्लेम सेल। ठीक है, अगर आप लोग कभी फ्लेम सेल्स का डायग्राम देखेंगे, जनरली इसको हम पढ़ाते हैं सेकंड ईयर में फ्लेम सेल्स को, ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ हमें इस टाइप से देखने को मिलता है। यहां पर ये होती है आपकी सेल्यूमिन और ये होते हैं आपके फ्लैजिला, कशाब जिसे हम बोलते हैं। ठीक है,
तो इनमें ये कशाबों की संरचना कुछ इस तरह से, ये इसमें इस तरह जलती ऐसे रहती है, ये हिलते हुए रहते हैं कशाब। इसके अंदर सेल ल्यूमेन में यहाँ पे गुहा जो उपस्थित होती है ना, कोशिका गुहा, उसके अंदर फ्लैजेला हमेशा इस तरह से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे दीपक जलता है ना, दीपक में से लौ जलती है, सभी दीपक देखे हैं जलते हुए, तो कैसे उसमें लौ जलती है ना। तो सेम कंडीशन इसकी भी लगती है, जब फ्लैजेला इसमें हिलते हैं ना, इसके सेल ल्यूमेन में, तो ऐसा लगता है जैसे दीपक जल रहा हो, लौ जल रही हो। इसीलिए हम इस प्रकार की सेल्स को क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, ये जो ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल जो वर्ड दिया गया है, वो इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये देखने में ऐसी लगती है जैसे दीपक जलता है क्या। ठीक है ना, तो इनमें उत्सर्जन जो है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं। जिनमें आप लोग जानते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ जो हैं सबसे पहले कहाँ आएंगे, ज्वाला कोशिका के अंदर आते हैं, जहां पर ये फ्लैजिला जो है ये गति करते हैं और उन उत्सर्जी पदार्थों को आगे की तरफ भेज देते हैं, जिसके द्वारा उनके शरीर से वो सब चीजें बाहर हो जाती है एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से। एक्सक्रीटरी पोर बनाया है ना आप लोगों ने, तो एक्सक्रीटरी पोर के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, यहां कंप्लीट होता है आपका फेसियोला हेपेटिका। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमल के बारे में। नियेंथीज, वर्गीकरण। वर्गीकरण आप लोग अच्छे से पढ़ा करें, जो यहाँ पढ़ाया जाता है ना उस चीजों को थोड़ा थोड़ा लिख लिया करें बगल में। ठीक है ना, काम आएगा आप लोगों के वाइवा टाइम पर। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण के बारे में क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करें नियेंथीज, नियेंथीज मतलब आप मान के चले नीरिस के बारे में। नीरिस सभी ने पढ़ा है अपने लाइफ में ना, ठीक है। नीरिस को हम किस नाम से जानते हैं, नियेंथीज के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, जब हम बात करें क्लास इसके वर्गीकरण के बारे में, तो इसे हम रखते हैं संघ एनिलिडा में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इसे हमने एनिलिडा में क्यों रखा है, प्लेटिहेलमिंथीज में क्यों नहीं रख दिया या ऑर्थ्रोपोड में क्यों नहीं रखा। कोई की कैरेक्टर बता सकता है मुझे इसका, एनिलिड का? बिल्कुल सही बात है अभिषेक, वेरी नाइस। देखिए, जब हम बात करें एनिलिडा के बारे में, तो इसका एक ही की कैरेक्टर होता है, वो ये है कि इनमें शरीर जो है वो खंडित होता है। कैसा होता है, खंडित शरीर पाया जाता है, मतलब इसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, जब हम बात करें इसके सेगमेंट्स के बारे में क्लास, तो इसमें सेगमेंट्स भी है ना बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, ये रफ कर देते हैं ऊपर से। ठीक है, तो इन खंडों को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट।
मेटामेरिक खंड लिख लीजिएगा आप, ठीक है, कि इनमें क्या पाए जाते हैं, मेटामेरिक खंड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, देखिए एनिलिडा के बारे में कभी भी कोई आपसे पूछे वाइवा में, तो आप क्या कहेंगे, उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है और उसमें सेगमेंट मेटामेरिक होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मेटामेरिक क्या होते हैं, तो देखिए किसी किसी जंतु का शरीर कुछ इस तरह से खंडों में विभाजित होता है कि वो सिर्फ ऊपर की तरफ से देखने पर ही ऐसा लगता है जैसे खंडों में विभाजित है, लेकिन अंदर उसमें एक भी खंड उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ऊपर से ही देखने पर लगेगा कि इसमें अंदर की तरफ खंड उपस्थित होंगे, लेकिन जब आप उसको आप काट कर देखेंगे तब आपको नजर आएगा कि इसमें अंदर की तरफ एक भी खंड उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार का जो खंडन होता है उसे हम बोलते हैं सतही खंडी भवन। क्या बोलते हैं? सतही खंडी भवन, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सेगमेंट्स सतह पर भी उपस्थित होते हुए भी शरीर के अंदर भी विभाजित हो, ठीक है, तो उस प्रकार का जब खंडी भवन होता है उसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो एनिलिड के जितने जंतु होते हैं उनमें ये इस प्रकार का खंडी भवन पाया जाता है कि उसमें आप लोग कभी भी देखोगे तो कुछ इस प्रकार से खंड होते हैं कि जो ऊपर से दिखते हैं ना खंड अलग अलग, अगर आप उन्हें कट करके देखोगे तो अलग ही अलग उपस्थित होंगे इसके अंदर भी, ये खंड जो है ना शरीर के अंदर भी उपस्थित होंगे। जो यहाँ पर अंग उपस्थित होंगे वही अंग यहाँ भी उपस्थित होंगे आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंदर कोई भी खंड उपस्थित नहीं है, अंदर भी खंडित में ही इनकी बॉडी होती है, ठीक है ना। शरीर जो है इनका अंदर से भी खंडित होता है, तो इस प्रकार का खंडी भवन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब मेटामेरिक खंडी भवन, ठीक है, समझ में आया। तो एनिलिडा का ये एक की कैरेक्टर होता है, क्योंकि इस प्रकार का कैरेक्टर आप किसी और में नहीं देखोगे, इस प्रकार का खंडी भवन आप किसी और फाइलम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये उसका क्या है, की कैरेक्टर है, कुंजी लक्षण बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट वर्ग, इसे हम, इसका वर्ग है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में से हम क्यों रखते हैं, पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक, ठीक है, इसमें अधिक संख्या में कीटा, कीटा मतलब होता है आपके पार्श्वपाद, या फिर आप सीटी से भी लीजिए इसको, सीटी उपस्थित होते हैं अधिक संख्या में, सीटी या फिर आप पार्श्वपाद लीजिए, पार्श्वपाद मतलब पैरापोडिया, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, अधिक संख्या में पैरापोडिया उपस्थित होते हैं। आप लोग जानते हैं कि एनिलिडा के जो जंतु होते हैं क्लास, ठीक है, तो उनका शरीर जो इस तरह से खंडों में विभाजित है, हर एक खंड पर यहाँ पे पार्श्वपाद लगे होंगे इस तरह से। तो कहने की बात यह है कि कितने सारे खंडों पर, आप लोगों ने कभी कांतर देखी है, दिखती है ना, तो उसी के जैसे होते हैं इसके भी जंतु। तो उसमें कितने सारे पैर मौजूद होते हैं, पैर तो बहुत होते हैं उसमें, है ना, तभी तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपीड्स में या मिलीपीड्स में रखते हैं उसको हम, है ना, ऐसे जंतुओं को। तो सिमिलरली ये जंतु जो होते हैं एनिलिडा के, है ना, नीरिस जिसे हम बोलते हैं, वो भी कुछ कुछ वैसे ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसमें भी, हम आप लोग देखते हैं कितने सारे पैर उपस्थित होते हैं, सिमिलरली इसमें भी अधिक संख्या में पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पार्श्वपाद को पैरापोडिया कहते हैं, ठीक है, और इनकी संरचना भी थोड़ी देर में बनाई जाएगी, ठीक है, तो घबराने नहीं, पार्श्वपाद बता दिया जाएगा, ठीक। वहीं नेक्स्ट है गड, गड इरेंशिया में से हम क्यों रखते हैं, वैसे खास से कैरेक्टर तो नहीं है, आप इसे इरेंशिया में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इनका जो ग्रसनी वाला पोर्शन होता है ना, इनकी ग्रसनी पर दांत पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम किस में रखते हैं, गड इरेंशिया में रखते हैं, ठीक है। और इसका वंश तो है ही नहीं, ठीक है, और स्पीशीज तो बहुत सारी हो सकती है किसी भी जंतु की, ठीक।
तो होप सो आप लोगों को वर्गीकरण समझ में आया होगा, समझ में आया ना, गुड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, इसके संरचना के बारे में क्लास। ठीक है क्लास, आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स वो ले रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस, वो सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बारे में फिर कल बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।